आशा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को आउटसोर्सिंग किए जाने के विरोध में 22 मार्च से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया गया है। आप सभी को बता दें कि सरकार अब वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को आउटसोर्सिंग करने को जा रही है, जिसके विरोध में जमशेदपुर के वन विभाग के कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया है। वहीं 22 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इस विभाग में वर्षों से विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को दैनिक वेतनमान पर कार्य कराया जाता है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, डाटा ऑपरेटर के 600 कर्मचारी झारखंड में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कराने का निर्णय लिया है, जिस पर कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए 17 से 20 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। बावजूद इस पर अगर सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेती है तो पूरे झारखंड में 600 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग, ये आउटसोर्सिंग को समाप्त करने के कारण ये कर रहे हैं। वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, दैनिक वेतनभोगी चालक को आउटसोर्सिंग से माध्यम से जो कार्य लेने का डेडलाइन दिया गया 31/3/2021 को, इसको हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसे अविलंब रद्द किया जाए। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? मैंने एक अपने विभाग द्वारा ये अपना सिस्टमेटिक चला रहे हैं लोग कि आउटसोर्सिंग की मदद से कार लेंगे और कुछ इसमें हम बोल नहीं सकेंगे। आपको कुल कितने 600 है वो जी 600 से विभाग अपना इसमें मनमानी करे, आउटसोर्सिंग आएगी तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं आउटसोर्सिंग बंद कर दे। हम लोग ये चाह रहे हैं आउटसोर्सिंग को रद्द कर जो वर्षों से कार्यरत जो नियम सरकार पे चल रही है विभाग पे, उसको आगे प्रक्रिया लागू रखें। अन्यथा क्या करेंगे? अन्यथा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे 22/3/2021 से वन भवन डोरंडा पे। तो अभी आप लोग क्या कैसा विरोध जता रहे हैं? हम लोग काला बिल्ला लगाकर ये विरोध कर रहे हैं, दिन दिन का 17 से 20 तक का काला बिल्ला लगाकर कार पे रहेंगे। यदि हमारी सरकार इस बीच में मांग नहीं मानती है और हमें वार्ता पे नहीं बुलाती है तो हम 22 से हड़ताल पर रहेंगे। आप लोग किस तरह के कर्मचारी हैं? हम लोग ये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है। क्या कुछ है? हमारा राजन लाल, झारखंड सरकारी मोटर चालक संघ राजू उपाध्यक्ष। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।